हेलो भाई डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ की ज्योग्राफी, हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, ड्रेनेज सिस्टम। और आज का जो लेक्चर है ये स्पेशली डील करेंगे आज हम वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, अभी इससे पहले मैंने आपको हिमालयन रिवर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था या नॉर्दर्न रिवर्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने गंगा रिवर सीरीज और ब्रह्मपुत्र रिवर सीरीज, इंडस रिवर सीरीज, तीनों के तीनों रिवर सीरीज को समझाया था विद दी मैप्स। और अब हम देखेंगे साउथ वाली रिवर्स, जिनको हम सीजनल रिवर्स भी बोलते हैं, पेरेनियल रिवर्स भी बोल सॉरी सीजनल रिवर्स बोलते हैं। और आपको पता है पेनिनसुलर रिवर्स हमारी दो टाइप्स की हैं, एक तो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, और दूसरी है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, हिमालयन रिवर्स में इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, इन तीनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो देखेंगे वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में देखेंगे। अगला वाला जो वीडियो आएगा उसमें मैं ये चारों के चारों रिवर का कवर करा दूंगा, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, ईस्ट की तरफ जैसे आपकी महानदी रिवर हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, इनकी डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, मतलब देव बंगाल पे जाकर गिर जाती हैं। और ये सारी की सारी जो रिवर हैं, ये जो पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो कर रही हैं, इनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुला आपको पता ही है, जमीन का ऐसा पार्ट जो तीन तरफ पानी से घिरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। क्योंकि नीचे आपको पता है इंडियन ओशियन है, ईस्ट की साइड में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट की साइड में अरेबियन सी, इसलिए इस वाले भाग को इंडिया के वो हम कहते हैं पेनिनसुला। वेस्ट की तरफ दो रिवर फ्लो करती हैं, एक तो है नर्मदा रिवर और दूसरी है ताप्ती या तापी रिवर। और ये दोनों की दोनों कहाँ पर जाकर गिरती हैं, अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। तो इन दोनों के बारे में जानेंगे, शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये मैप है, आप इसको एक बार क्या करना है, एक बना लेना है, एक मैप मैप बना लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स है। ये आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा, यमुना, ये इधर इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। ठीक है, और यहाँ पर नर्मदा, नर्मदा के जस्ट नीचे पैरेलल आती है तापी, यहाँ पे महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। एक आइडिया लेना आपको होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, ये सारे। अच्छा, एक चीज़ और खास बात याद रखना कि जो नर्मदा रिवर है वो दो माउंटेन रेंज के बीच में फ्लो करती है, मतलब एक तरफ ऊपर की तरफ है विंध्याचल माउंटेन और नीचे है सतपुड़ा माउंटेन, इन दोनों के बीच में से फ्लो कर रही है, रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। कौन फ्लो करती है, नर्मदा रिवर। और नर्मदा और सतपुड़ा के नीचे, सतपुड़ा के नीचे तापी रिवर, और ये कहाँ पर जाकर गिरती हैं, अरेबियन सी में जाकर ड्रेन करती हैं, गिरती हैं, पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, तो पेनिनसुलर रिवर्स में ध्यान रखना, द मेन वाटर डिवाइड इज पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू वेस्टर्न कोस्ट। देखो अब यहाँ पे कई सारे वर्ड आ रहे हैं, ये हैं आपके वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट मतलब वेस्टर्न घाट जो माउंटेन है वेस्ट की साइड में, ये वेस्टर्न घाट्स हैं। इधर ये हैं ईस्टर्न घाट, घाट की बगल में यहाँ पर मिलेगा वेस्टर्न कोस्ट, इधर मिलेगा ईस्टर्न कोस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने सेकंड वाला लेक्चर देख रखा है, सेकंड चैप्टर का, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी वेस्टर्न कोस्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है ये क्या करता है, वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। ठीक है, वाटर डिवाइड आप जानते ही हो, वाटर डिवाइड क्या करता है, जो रेन वाटर को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, जैसे मान लो ये वेस्टर्न घाट हो गया, तो एक तो इसके इधर की तरफ रिवर और इधर की तरफ रिवर, तो इधर की तरफ रिवर जो होती है वो अरेबियन सी में जाती है और इधर की तरफ जो होती है वो वे ऑफ बंगाल में जाती है। ठीक है, तो जो वाटर डिवाइड की तरह काम करता है पेनिनसुलर इंडिया में वो है हमारा वेस्टर्न घाट, वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। और ये वेस्टर्न घाट नॉर्थ से साउथ से जाता है और वेस्टर्न कोस्ट के क्लोज है, वेस्टर्न कोस्ट मतलब यहाँ पे जो वेस्टर्न कोस्ट है इसके क्लोज में ही क्या है, वेस्टर्न घाट है। किधर से किधर जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये मूव कर रहा है। यहाँ पर कोस्ट देखें तो यहाँ पर जैसे कोंकण कोस्ट, ये मालाबार कोस्ट, ठीक है, ये भी कोस्ट हैं। तो अगर आएँ कि मालाबार कोस्ट और कोंकण कोस्ट चल रहे हैं तो आप बताना वेस्टर्न घाट की तरफ है अरेबियन सी में। ठीक है, ज़्यादातर जो आपकी रिवर्स हैं पेनिनसुला वाली, ये कौन कौन सी रिवर्स हैं, जैसे आपको मैं बता दूं ईस्ट की तरफ जो जाती हैं उनकी मैं बात बता रहा हूँ। ईस्ट की तरफ जाने वाली महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये ड्रेन करती हैं, कहाँ पर ड्रेन करती हैं, बे ऑफ बंगाल में। तो मैंने मैप दिखाया था, ये आप देख सकते हो, ये हो गई आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये कहाँ पर ड्रेन करती हैं, बे ऑफ बंगाल में। ड्रेन मतलब कहाँ पर जाकर गिर रही हैं, तो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, चार रिवर हैं। और ये जो रिवर है, ध्यान देना एक खास बात हो रही है, ये जो आपकी इधर जो रिवर गिरती है बे ऑफ बंगाल में जाकर, ये क्या करती है, डेल्टा बनाती है। डेल्टा जो हमने गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरबन डेल्टा देखा था, वो डेल्टा बनाती है ऐसे करके ट्रायंगुलर शेप में, यहाँ पर डेल्टा बनाएंगे, अपना डिपॉजिट यहाँ पर जमा कर देती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ईस्ट की तरफ रिवर जो फ्लो कर रही हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बनाती है डेल्टा, कहाँ पर, अपने माउथ पर। माउथ क्या होता है, जहाँ पर रिवर ओशन से मिलती है, जब रिवर यहाँ पे ओशन से मिलेगी तो वो वाला पार्ट क्या कहलाता है, रिवर का माउथ। और रिवर जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। ठीक है,
देर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, मतलब वेस्टर्न घाट के वेस्ट की साइड में जाने वाले भी कई सारी स्ट्रीम्स हैं। स्ट्रीम्स मतलब छोटी छोटी रिवर्स हैं। इसमें मेनली दो रिवर्स हैं, एक तो है नर्मदा और एक है तापी। ये बड़ी रिवर है, बाकी छोटी छोटी रिवर्स भी हैं। तो वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली दो ही बड़ी रिवर है, एक है नर्मदा और दूसरी है तापी, ठीक है, जो कि लॉन्ग रिवर है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। और एक चीज़ खास बात याद रखनी कि वेस्ट की तरफ जो रिवर फ्लो कर रही हैं ये एस्चुरीज का निर्माण करती हैं, ना कि डेल्टा। ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ईस्ट की तरफ में फ्लो करने वाली रिवर तो बनाती हैं डेल्टा, और वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली रिवर बनाती हैं एस्चुरीज, ठीक है। डेल्टा और एस्चुरीज में अंतर बताऊंगा। एक्चुअली क्या है, ये जो इधर ईस्ट की तरफ जो रिवर फ्लो करती हैं दो माउंटेन वैलीज के बीच में फ्लो करती हैं, तो इनको फ्लो करने का ज़्यादा जगह भी नहीं मिलती और ये डायरेक्ट किस में जाकर मिल जाती हैं, ओशियन में जाकर मिल जाती हैं। इधर ये बहुत बड़े एरिया में फ्लो करके आती हैं, तो इनकी स्पीड भी कम हो जाती है और ये डिपॉजिट्स अपने छोड़ने लग जाती हैं, और जहाँ पर डिपॉजिट्स ये डिपॉजिट करती हैं वो वाला एरिया डेल्टा बनता है। तो कुल मिला के बात ये कि वेस्ट की तरफ जो रिवर फ्लो कर रही है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरीज बनाती हैं, और इधर वाली रिवर डेल्टा का निर्माण करती हैं। अभी इनमें डिफरेंस मैं और बताऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो ड्रेनेज बेसिन ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर कंप्लीटली स्मॉलर इन साइज। अब बेसिन की बात करें तो बेसिन मतलब कितने एरिया में फ्लो कर रही है, मैंने बताया था। देखो ड्रेनेज बेसिन का मतलब है कितने एरिया में रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो कर रही हैं, वो एरिया क्या कहलाता है, ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। तो खास बात यह कि ये जो साउथ वाली जो रिवर्स हैं इनका ड्रेनेज बेसिन बहुत छोटा होता है, क्योंकि कम पानी होता है, कम दूरी तक ये ट्रेवल करती हैं। मगर जो नॉर्थ की तरफ रिवर फ्लो कर रही हैं उनका ड्रेनेज बेसिन बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत बड़े एरिया में ये क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। देखो डेल्टा हम देख लेते हैं, अपना सिलेबस में तो नहीं है पर अगर मैं डेल्टा और ये बताता हूँ, देखो जैसे अपनी ये रिवर है यहाँ से ओरिजिनेट हुई, ये मियांड्रिंग करते हुए ये ओशन है, ओशन के पास पहुँचते पहुँचते ये जो लास्ट में ये वाला जो प्लेस है यहाँ पर बनाती हैं डेल्टा, और ये रिवर का माउथ होता है। तो यहाँ पर ये क्या करती हैं, इनकी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं उसको यहाँ पर डिपॉजिट कर देती हैं, और रिवर कई सारी छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज में यहाँ पर डिवाइड हो जाती हैं और यहाँ पर बनाती हैं डेल्टा। तो ऐसा काम सिर्फ कौन सी रिवर करती हैं, आपकी जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है, ठीक है, जिसमें कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, गंगा, यमुना तो बनाती हैं, मगर हम साउथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे तो देखो माउंटेन के बाद बहुत बड़े लार्ज प्लेन एरिया में फ्लो कर रही है रिवर, मगर ईस्ट जो वेस्ट वाली रिवर है, वेस्ट वाली रिवर इतने बड़े एरिया में फ्लो नहीं करती, ठीक है। तो ध्यान देना, ट्रायंगुलर डिपॉजिट्स मतलब रिवर का जो माउथ होता है वहाँ पर ऐसे करके डिपॉजिट बन जाता है, और यहाँ पे ऐसे कई सारे चैनल्स में रिवर डिवाइड हो जाती है, तो वो डिपॉजिट को क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर। और ट्रायंगुलर ऐसी कोई चीज़ होती है, इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है, यहीं से नाम आया डेल्टा। ट्रायंगुलर डिपॉजिट्स मेड बाई रिवर्स एंड एट देयर माउथ फ्रॉम फॉर्म डेल्टा, मतलब रिवर के द्वारा उनके माउथ पर जो ट्रायंगुलर शेप में जो डिपॉजिट बनाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। और डेल्टा जो बनता है ये लो टाइड वाले एरिया में बनता है, कोस्टल प्लेन्स में बनता है। डेल्टा जो होते हैं फर्टाइल लैंड होती है, ठीक है, और गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये रिवर क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और डेल्टा का शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करें एस्चुरीज की, तो आप देखो ये मान लो अपना पेनिनसुलर इंडिया है, अब यहाँ से कोई रिवर फ्लो कर रही है तो इसके ऊपर माउंटेन, यहाँ भी माउंटेन, दो माउंटेन के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं माउंटेन वैली। तो जनरली जो वेस्ट की तरफ रिवर फ्लो करती हैं वो माउंटेन वैली में फ्लो करती हैं, रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं, ठीक है, थीके? तो इनको ज़्यादा एरिया नहीं मिलता, फैल नहीं पाती, बहुत फास्ट गति से आती हैं और सीधे जाके किस में मिल जाती हैं, ओशियन में मिल जाती हैं। तो द टाइडल माउथ ऑफ रिवर, वही मतलब जहाँ पर ये ओशियन के साथ मिलती है वही वाला एरिया जो क्या कहलाएगा, टाइडल माउथ। तो द टाइडल माउथ ऑफ रिवर वेयर फ्रेश वाटर एंड सेलाइन वाटर गेट मिक्सड। अब देखो एस्चुरी क्या होती है, एस्चुरी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर फ्रेश वाटर, रिवर अपने साथ कैसा पानी लेके आ रही है, फ्रेश वाटर, ओशन वाला पानी कैसा है, सेलाइन वाटर, जहाँ पर मिक्स होता है वही वाला एरिया क्या कहलाता है, इनका एस्चुरी कहलाता है। द शार्प एज माउथ ऑफ रिवर्स डिवॉइड ऑफ एनी डिपॉजिट इज नोन एज एस्चुरी। अब इनका जो माउथ होता है वहाँ पर ज़्यादा ये अपने साथ सेडिमेंट्स नहीं लेके आती, मैंने अभी बताया कि ये क्या है, अपने माउंटेन, दो माउंटेन के बीच माउंटेन रिफ्ट वैली से फ्लो कर रही हैं। अब रिफ्ट वैली से फ्लो कर रही हैं, ज़्यादा बड़े एरिया में फ्लो नहीं करके आ रही हैं, तो ये इरोजन बहुत कम करती हैं, इरोजन कम करती हैं तो अपने साथ सेडिमेंट्स भी ज़्यादा नहीं लेके आती, तो इनके पास अभाव होता है, डिवॉइड मतलब कमी होती है, किसकी कमी होती है, जो वेस्ट की तरफ रिवर फ्लो कर रही हैं उनके पास डिपॉजिट्स की कमी होती है, इसीलिए ये डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। ये कहाँ पर बनते हैं, जनरली जो रिफ्ट वैली होती हैं या हाई टाइड्स वाले एरिया होते हैं वहाँ पर एस्चुरी देखने को मिलेंगी आपको। रिफ्ट वैली भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, तो रिफ्ट वैली और हाई टाइड वाले रीजन में आपको मिलेंगे एस्चुरीज, और
एस्चुरी डू नॉट हैव फर्टाइल लैंड, इनके पास कोई फर्टाइल लैंड नहीं होती है। नर्मदा और तापी जो रिवर है ये क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। और इनका शेप कैसा होता है? फनल शेप। कैसा शेप होता है? फनल, ऐसे करके फनल, ये हो गया फनल शेप, ऐसे करके शेप होता है किसका? एस्चुरीज का। ऐसे मान लो माउंटेन से आ रही है, ऐसे मिल जाए, ये मान लो ऐसे करके फनल शेप बन गया, ठीक है। फनल एक्चुअली ऐसा होता है, आपने देखा होगा फनल, ठीक है। तो ऐसा शेप बनता है किसका? एस्चुरीज का, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से सीधी आई हैं और आके डायरेक्टली कहाँ पर मिल जाती हैं? ये मिल जाती हैं अपने ओशन में मिल जाती हैं, तो यहाँ पर बनती हैं एस्चुरीज। तो ये ज़्यादा एरिया नहीं होता, कम एरिया होता है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर, वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। इसमें नर्मदा रिवर के बारे में जानेंगे और तापी या ताप्ती रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनका दोनों का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। विंध्याचल माउंटेन और सतपुड़ा माउंटेन के बीच में से नर्मदा रिवर आती है और नर्मदा के नीचे पैरेलली तापी रिवर आती है। तापी या ताप्ती एक ही बात है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेस्टिनेशन इनकी लोकेशन मैप में याद होना जरूरी है ताकि चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो सकें, ठीक है। तो ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा, इन दोनों माउंटेन के बीच में कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर पर एक डैम बना हुआ है, सरदार सरोवर डैम, नर्मदा पे, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, फॉल्टिंग। फॉल्टिंग कब होती है? अब मान लो दो माउंटेन, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, मान लो एक प्लेट इधर मूव कर रही है, एक प्लेट इधर मूव कर रही है, जब ऐसे मूवमेंट होता है तो क्या हो? या मान लो कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट पर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक तरफ फोर्स इधर लग रहा है, अगर मान लो इसका कुछ ब्लॉक नीचे की तरफ धस जाए, जैसे ये दोनों ब्लॉक नीचे की तरफ धस गए, तो इस वाले एरिया में क्या क्रिएट हो जाता है? फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। मान लो ऐसे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, दो तरफ से इसको खींचा जा रहा है प्लेटों को, तो एक प्लेट का ऐसा नीचे ऐसे चला गया और ऐसे चला गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्ट बोलते हैं। तो इसमें ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको होस्ट बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? ग्रेवन बोलते हैं, ठीक है। तो फॉल्ट ऐसे कई टाइप के फॉल्ट होते हैं, जैसे अगर प्लेट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो इस एरिया में जो फॉल्ट क्रिएट होगा उसको नॉर्मल फॉल्ट बोलते हैं। जब प्लेट एक दूसरे के बिल्कुल सेम डायरेक्शन मूव करें तो वहाँ पे जो फॉल्ट क्रिएट होगा वह रिवर्स फॉल्ट होगा, और जब प्लेट एक दूसरे के पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन मूव करें तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्रिएट होगा। ये सिलेबस का पार्ट नहीं, बट इतना ध्यान रखना, फॉल्ट कब क्रिएट होता है? जब या तो दो प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन मूव करें तो उस बीच में कुछ हिस्सा नीचे दस जाए या ऊपर दस चला जाए, तो उस एरिया में क्या क्रिएट होता है? फॉल्ट क्रिएट होता है, ठीक है। और जब मान लो ऐसे कॉन्टिनेंटल प्लेट एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, बीच में यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हो गया, तो यहाँ पर एक वैली क्रिएट हो जाएगी, नीचे एक खाई सी क्रिएट हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। तो ध्यान देना, जो रिफ्ट वैली होती है, ऐसे एक कॉन्टिनेंटल प्लेट इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो यहाँ पर क्रिएट होगी रिफ्ट वैली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, एक रिफ्ट वैली है। तो अपनी जो रिवर्स हैं नर्मदा तापी, ये कहाँ पर फ्लो करती हैं? रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं, दो माउंटेन के बीच में फ्लो करती हैं, ठीक है। तो रिफ्ट वैली कब क्रिएट हो गई? जब ऐसे और ऐसे मूवमेंट ऑफ प्लेट का, तो यहाँ पर ये क्रिएट हो गई रिफ्ट वैली, ठीक है। सो नाउ कम टू नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के बारे में बात करते हैं, पहले आप देखेंगे अपनी बुक में क्या दे रखा है, फिर मैं कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको बताऊंगा। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना, नर्मदा रिवर का जो सोर्स है कहाँ से राइज कर रही है, राइज मतलब कहाँ से नर्मदा रिवर निकल रही है, तो ये निकलती है अमरकंटक हिल्स, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा रिवर निकलती है अमरकंटक हिल्स, कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर ये फ्लो करेगी वेस्ट की तरफ, आपको बताइए वेस्ट फ्लोइंग रिवर है तो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, और कहाँ पर फ्लो करती है? एक रिफ्ट वैली में, बताया था ना, एक तरफ माउंटेन इधर और एक तरफ माउंटेन इधर है, बीच में ये फ्लो कर रही है, रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। और ये रिफ्ट वैली कब क्रिएट होती है? फॉल्टिंग की वजह से, समझ में आ गया, मैंने अभी दिखाया था, फॉल्टिंग की वजह से रिफ्ट वैली क्रिएट होगी और रिफ्ट वैली में नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। ऑन दी वे, ऑन इट्स वे टू सी, नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चरस लोकेशन, जब ये मतलब फ्लो करती है तो इसकी कई सारी ऐसी लोकेशंस पर ये मतलब ऐसे दृश्य क्रिएट करती है, बहुत ही शानदार सुहावने, और मतलब लोग बाग बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं, ऐसे ऐसे मतलब पिक्चर्स मतलब ये क्रिएट करती है। मार्बल लॉक्स के बारे में बता रखा है, मार्बल लॉक्स नियर जबलपुर, जबलपुर भी, जबलपुर कहाँ पर है? ये भी MP में, ध्यान रखना है। तो जबलपुर के पास मार्बल लॉक्स है, जहाँ पर नर्मदा रिवर एक डीप गॉर्ज में फ्लो करती है, गॉर्ज मतलब बड़ी खाई जो होती है वहाँ पर फ्लो करती है, और धुआंधार, धुआंधार बोल लो इसको, जो भी बोलना चाहो, धौधर या धुआंधार, धुआंधार फॉल्स, फॉल्स मतलब जो वाटरफॉल्स हैं ये भी बनाती है। ध्यान देना, नर्मदा रिवर पर ये कौन से वाटरफॉल्स हैं? धुआंधार वाटरफॉल्स हैं, जो जैसे ही रिवर जो नीचे धुआंधार वाटरफॉल्स हैं, साथ के साथ में जहाँ पर रिवर नीचे गिरती है, प्लंज मतलब नीचे गिरती है, कहाँ पर? स्टीप रॉक्स पर। एंड ये जो धुआंधार फॉल्स हैं, ये भी एक मतलब देखने लायक चीज़ है, जो कि कहाँ पर है ये धुआंधार वाटरफॉल्स, ये नर्मदा रिवर पर ही है, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नर्मदा रिवर्स
कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत छोटी हैं, वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी हैं। और ये जो नर्मदा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये मेन स्ट्रीम को राइट एंगल पर ज्वाइन करती हैं। जैसे मान लो नर्मदा रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, एक ट्रिब्यूटरीज आई ऐसे ज्वाइन कर लिया, एक ने ऐसे ज्वाइन कर लिया, हो सकता है एक यहाँ से गई ऐसे ज्वाइन कर लिया, ये ट्रिब्यूटरी आई, एक ट्रिब्यूटरी आई इसने ऐसे ज्वाइन कर लिया, मतलब राइट एंगल पर इनको क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं। कौन? जो नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। नर्मदा रिवर का जो बेसिन है मेनली यहाँ पर दो स्टेट में मेनली फ्लो करता है, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन भी कहा जाता है किसको, नर्मदा रिवर को। ठीक है, अब थोड़ा हम एडिशनल पॉइंट देखेंगे नर्मदा रिवर के बारे में। तो पहली बात तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो वेस्ट की तरफ रिवर फ्लो कर रही है, अरेबियन सी की तरफ वेस्ट की तरफ रिवर फ्लो कर रही है, उसमें सबसे लंबी जो रिवर है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, वो है नर्मदा रिवर। इंडिया में अगर बात करें तो ये इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है, या थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। किसके बाद? पहले पे गंगा, दूसरे पे गोदावरी, फिर तीसरे पे आती है नर्मदा रिवर आती है। ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है एक रिफ्ट वैली में। किसके बीच में? ये रिफ्ट वैली विंध्याचल माउंटेन और सतपुड़ा माउंटेन के बीच में एक रिफ्ट वैली है, और उसी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है नर्मदा रिवर। ओरिजिन इसका मैंने बताया था अमरकंटक, अमरकंटक प्लेटू है, और ये अमरकंटक कहाँ पर है? ये मैकाल रेंज, मैकाल रेंज, ये रेंज है मैकाल माउंटेन रेंज है, यहाँ पर एक प्लेटू है अमरकंटक प्लेटू, जो कि मध्य प्रदेश में, यहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है नर्मदा रिवर। इसकी जो लेंथ है 1312 किलोमीटर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेट अस टॉक अबाउट तापी रिवर, तापी रिवर या ताप्ती रिवर, पहले बुक में देखते हैं क्या दे रखा है, फिर एक्स्ट्रा चीज़ें देखेंगे। तो तापी रिवर कहाँ से राइज करती है? देखो एनसीईआरटी बुक में एक वर्ड दे रखा है राइज, तो राइज का मतलब है कहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है। तो ये सतपुड़ा माउंटेन, तो मैंने बताया था ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा, बीच में से आपकी नर्मदा जा रही है, और फिर यहीं से सतपुड़ा माउंटेन से निकल रही है आपकी कौन सी, तापी रिवर निकल रही है। कौन सी निकल रही है? तापी रिवर। तो ध्यान रखना है सतपुड़ा माउंटेन, जो सतपुड़ा रेंजेज है, माउंटेन रेंजेज है, वहाँ से तापी रिवर ओरिजिनेट होती है। और एक्चुअल पॉइंट कौन सा है इसका, वो है बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है बैतूल डिस्ट्रिक्ट, तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से राइज होती है आपकी तापी रिवर। ये भी एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है नर्मदा के पैरेलल में, मगर इसकी जो लेंथ है बहुत कम है, ये भी एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। तीन स्टेट को कवर करती है ये, आप देख सकते हो तापी रिवर फ्लो कर रही है, एक मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात और तीसरा महाराष्ट्र। तो ध्यान रखना नर्मदा और तापी दोनों ही कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, दोनों ही मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से फ्लो करती है। और द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो, हेंस कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट। अब देखो पहली बात तो ये कि जो वेस्टर्न घाट और जो वेस्टर्न कोस्ट है या अरेबियन सी है, इसके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए इन रिवर्स की डिस्टेंस भी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ध्यान रखना तीन स्टेट मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में ये फ्लो करती है। अब हम इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं। अब भाई वेस्ट की तरफ जो रिवर फ्लो कर रही है, तापी रिवर या ताप्ती रिवर एक ही बात है, वेस्ट की तरफ जो रिवर फ्लो कर रही है उसमें सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है अपनी तापी रिवर। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी, सतपुड़ा माउंटेन रेंज, लेंथ इसकी 724 किलोमीटर। कहाँ पर जाकर गिरती है? अरेबियन सी में। अरेबियन सी में भी कहाँ पर? गल्फ ऑफ खम्बात में जाकर गिरती है, और ये भी एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। इसके अलावा और भी कुछ वेस्ट की साइड में फ्लो करने वाली रिवर्स हैं जिनके सिर्फ आपको नाम याद रखने, तो नर्मदा और तापी ये तो हमने मेन पढ़ी ली, इसके अलावा साबरमती, माही, भरतपूजा और पेरियार, ये रिवर्स ऐसी हैं जो किधर की तरफ फ्लो कर रही हैं, वेस्ट की तरफ रिवर फ्लो कर रही हैं, इनके नाम भी आपको लर्न करने हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ और यहाँ पे एडिशनल बता देता हूँ, ये आपका है अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू है। कहाँ पर है ये? मैकाल हिल्स, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसकी हाइट है लगभग 1050 मीटर। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो अमरकंटक प्लेट्यू जो मध्य प्रदेश में, इसमें चार रिवर निकल रही हैं। एक तो निकलती है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ जो रिवर निकल रही है वो है आपकी सोन रिवर। ये कौन सी रिवर है? सोन रिवर। और सोन रिवर ध्यान रखना गंगा रिवर में जाकर मिल जाती है, तो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब गंगा आपको पता है पेरिनियल रिवर है जो हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है, मगर ये जो रिवर है कहाँ से जा रही है? प्लेट्यू से जा रही है, पेनिनसुलर प्लेट्यू से जा रही है। कहाँ पर जाकर मिल जाती है? गंगा रिवर में। कौन सी? सोन, तो नॉर्थ की साइड में। साउथ में बात करें एक रिवर जाती है इंद्रावती रिवर, और ये इंद्रावती रिवर मिल जाती है जाकर गोदावरी में, तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती। ये भी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? अमरकंटक प्लेट्यू, जो कि मध्य प्रदेश में। वह ईस्ट की तरफ अगर देखें तो ईस्ट की तरफ एक रिवर ओरिजिनेट होती है महानदी, जो कहाँ पर जाकर गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल। और वेस्ट की तरफ एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है नर्मदा रिवर, और ये भी कहाँ से आ रही है? अमरकंटक प्लेट्यू, जो कि मैकाल हिल्स मध्य प्रदेश में, और ये जाकर गिर जाती है बे ऑफ खम्बात, अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। तो ये वाला डायग्राम आप बना लेना, बड़ा काम का है अपना। ठीक है,
तो यहाँ पर अपना लेक्चर फिनिश हुआ और ये वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली रिवर्स पूरी हो गई। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर नोट्स एज वेल एज आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।